Hi everybody, welcome back to my channel and welcome to this video. So in the last video I tried to address your doubts related to Nainital Bank, whether it's a public sector bank or it's a private bank, and I also tried to address your doubts related to bank MD and bank PO. So in today's video I'll try to address your doubts related to interview preparation. सो मैं फोकस करूँगी फिलहाल नैनीताल बैंक के इंटरव्यू प्रोसेस और अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में आई विल मेक अ कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माई जर्नी इन द बैंकिंग करियर. सो आई वर्कड विद नैनीताल बैंक एज एमटी एंड देन आई वॉज कन्फर्म्ड एज एन ऑफिसर. सो आई वर्कड विद नैनीताल बैंक फॉर 4 years स्टार्टिंग 2018. आई रिजाइन इन फेब्रवरी 2022. इन ऑल मैंने 3 बैंक पीओ के इंटरव्यूज दिए हैं. जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था दैट वॉज ऑफकोर्स विद द नैनीताल बैंक लिमिटेड. इट वॉज बैक इन 2017 एंड देन आई गेव SBI पीओ इंटरव्यू विच वॉज इन मार्च 2021. उसके बाद जो मेरा सेकेंड SBI पीओ इंटरव्यू था दैट वॉज इन फेब्रवरी 2022. सो इन ऑल आई हैव लाइक 3 डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस. तो अभी क्या है कि ऑल्दो कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन रहती हैं इंटरव्यू में दैट आई शेयर विद यू, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हर जगह यूनिक होती हैं. फॉर एवरी पर्सन फ्यू एक्सपीरियंसेस आर वेरी यूनिक. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले इंटरव्यू की अगर हम बात करें और नैनीताल बैंक के इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरा इंटरव्यू था नवंबर 2017 में. एग्जैक्ट डेट आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ ऑफ कोर्स. सो बेसिकली माय इंटरव्यू वाज इन नैनीताल एंड इन द हेड ऑफिस. तो सबसे पहला इंटरव्यू टिप तो यही है कि आप इंटरव्यू की डेट और वेन्यू आते ही अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को रेडी कर लें. जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको अच्छे से गो थ्रू करके अरेंज कर लें सो दैट यू कैन अवॉइड दैट लास्ट मिनट केओस. एक लास्ट मिनट नर्वसनेस आप अवॉइड कर सकते हो. इफ़ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर राइट इन प्लेस तो आप एक तरह से फ्री हो जाएंगे उस चीज़ को लेके, है ना. सो प्लीज़ फोकस ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. सेकेंड पार्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ पंक्चुअलिटी. प्लीज़ बी ऑन टाइम. जो भी आपका वेन्यू है वहाँ पर आप टाइम पर पहुँचें. If you are like traveling from a far off place, then I'll suggest ki try to reach a day before so that you can relax a little, cool off a little. वो जो एक traveling का exhaustion है वो निकल जाएगा, है ना. So and third, let's start with the actual interview experience which I faced. तो मेरा interview panel जो था उसमें there were in all 4 members नैनीताल bank में. 3 were males and 1 was female. And the chairman of the bank, Mr. Mukesh Sharma, was also was of course the head of the panel. So he was also there. And most probably, abhi ke jo present chairman hai, Mr. Dinesh Pant, he will also be there in your interview panel. Until and unless he is having some other you know engagements, he will definitely be there. So, mera jo interview tha, it was in the morning shift. यूजुअल जो पहला प्रोसेस होता है आप जाते हो, आप वेट करते हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन कराते हो एंड देन यू आर गिवन अगेन अ वेटिंग टाइम. सो वो था. उसके बाद इन दैट वेटिंग टाइम आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग. फ्रैंकली मैं रिलैक्स कर रही थी. मेरे आसपास कई बच्चे थे जो न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए थे उस दिन का एंड दे वर रीडिंग द न्यूज़पेपर. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरव्यू पैनल आपसे उसी दिन की न्यूज़ पूछे. हाँ, आप एक दिन पहले की भी न्यूज़ बता सकते हो या यू शुड बी इन टच कि दुनिया में हो क्या रहा है. फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो जैसे यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस चल रहा है, है ना. तो दे कैन ऑफ कोर्स आस्क यू कि उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं फॉर इंडिया. देन वी आर ऑल्सो विटनेसिंग दिस फाइनेंशियल इमरजेंसी इन श्रीलंका. सो दैट कैन ऑल्सो बी आस्क बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट ऑफ अ बैंकर एंड यू विल बी क्लोजली वर्किंग इन टू द मार्केट. सो दैट इज़ वाई इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. उसके अलावा बेसिकली बहुत बेसिक मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे. सबसे पहला क्वेश्चन तो जो हेड ऑफ द पैनल ने पूछा था वो यही था दैट टेल अस अबाउट योर सेल्फ, है ना. तो उसमें बेसिक शॉर्ट और
एक ऑर्गेनाइज्ड इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश की है, और यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक डायरेक्शन से स्टार्ट होके उसको एक डायरेक्शन में ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है कि पहले आपने अपना बर्थ प्लेस बताया, फिर आप सीधे ग्रेजुएशन में जंप अप हो गए, बीच का छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। स्टार्ट इन एन ऑर्डर एंड ओनली मैंशन द रेलिवेंट डिटेल्स। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी इंट्रोडक्शन में डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बोलोगे तो उस पर क्रॉस क्वेश्चन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो डैट उसके बाद जो सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन आया, दैट यू बिलोंग टू केमिस्ट्री, माई बैकग्राउंड वॉज केमिस्ट्री, आई हैव डन ऑनर्स इन केमिस्ट्री। तो मुझसे यही पूछा गया कि केमिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद आप बैंक में क्यों आना चाहती हैं। तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर बैंकिंग से मिलता जुलता नहीं है, जैसे मोस्ट ऑफ माय कलीग्स वर इंजीनियर्स, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आफ्टर डूइंग बीटेक आप क्यों बैंकिंग में आना चाहते हो। तो उसके लिए आपके पास एक वैलिड और एक अनकॉमन आंसर होना चाहिए। ये आंसर तो सब देते हैं कि मेरे को पब्लिक डीलिंग करना अच्छा लगता है, मुझे कस्टमर से बात, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आपने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नहीं की हैं, पब्लिक डीलिंग या कस्टमर इंटरेक्शन, तो आप उसको फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो इसलिए उस तरह का कोई आपके पास जवाब होना चाहिए जो आप इजीली जस्टिफाई कर पाओ। अनदर क्वेश्चन टू मी वाज, एट दैट टाइम देर वाज दिस डिबेट गोइंग ऑन फॉर पद्मावत मूवी। तो मुझसे जो सेकंड पैनलिस्ट थे उन्होंने यही पूछा कि अभी पद्मावत मूवी के रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, तो आपके क्या व्यूज़ हैं। अब ये क्वेश्चन उन्होंने इसलिए मुझसे पूछा था बिकॉज मेरा कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर रहा था डिबेटिंग, सो आई वॉज अ डिबेटर। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई आपके क्या व्यूज़ हैं, आप एक डिबेटर रही हैं तो आप बताइए। तो इस तरह के भी जब क्वेश्चंस आते हैं, आपके व्यूज़ मांगे जाते हैं, तो आपको तब भी कोशिश करनी है कि आप एक बैलेंस्ड व्यू अपना प्रेजेंट करें। बहुत ही ज़्यादा रैशनल या बहुत ही ज़्यादा यू नो अनकन्वेंशनल व्यू आप ना प्रेजेंट करें। आप जैसा भी सोचते हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एट दैट टाइम यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ एट द बेस्ट ऑफ योर यू नो लेवल, एज अ यू हैव टू शो योर पर्सनैलिटी टू इट्स बेस्ट। सो प्लीज़ गिव अ बैलेंस्ड व्यू, राइट। एंड कुछ लोग होते हैं कि वो पैनलिस्ट से ही आर्ग्यू में एंगेज हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा अपने आपको प्रोटेक्ट करना है। यू डोंट हैव टू गेट अग्रेसिव, या फिर यू हैव टू स्टे वेरी काम, मेंटेन अ स्माइल, ठीक है, और बहुत ही काम होके आप अपना आंसर करो, कॉन्फिडेंट होके अपना आंसर करो। सो दिस वाज द सेकंड और द थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद शायद फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो था रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो कई बच्चे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को इग्नोर करके चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल आप मत करो। जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, सो जो भी आपका बैकग्राउंड है, यू शुड बी वेल वर्स्ड, है ना। तो एटलीस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पता है, आप टच में नहीं हो, तो भी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज़ वो ना एक बहुत ही नेगेटिव इम्प्रेशन देता है कि आपने आपको अपने ग्रेजुएशन का कुछ याद ही नहीं है, मतलब आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की। इनडायरेक्टली वो ये इम्प्रेशन देता है। सो मेरे ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया था एंड आई आंसर दैट, क्योंकि काफ़ी बेसिक उन्होंने केमिस्ट्री से पूछा था, और उस टाइम मैं जस्ट एक कॉलेज यू नो फ्रेशर थी, मतलब कॉलेज कंप्लीट मेरा जस्ट हुआ था, तो मैं टच में भी थी, सो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। उसके बाद आते हैं जो फीमेल थी मैम, उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन शायद पूछा था, और वो ये था कि हमारे बैंक की मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस जो हैं वो हिली एरियाज़ में हैं, तो आप इन फ्यूचर कैसे उस चीज़ से कोप करोगे, बिकॉज हमेशा आपको एक सिटी में पोस्टिंग तो नहीं मिलेगी। तो मैंने उन्हें यही बोला, मेरे पास एक प्लस पॉइंट था कि मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती थी, और मतलब उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उन्हें यही बोला कि मैम आई बिलोंग टू उत्तराखंड इटसेल्फ, सो आई नो दैट आई हैव दिस हैबिट, एंड मतलब मैं काफ़ी वेल वर्स्ड हूँ यहाँ के टेरेन से, और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर अगर मुझे इस तरह की किसी ब्रांच में पोस्ट किया जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, आई बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू माई रूट्स। तो इस तरह से मैंने उस चीज़ को आंसर किया था, तो शी स्माइल्ड, आई मीन शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट आंसर, मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा। एंड सो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे, इट वॉज मोर लाइक अ फॉर्मल टॉक, ठीक है, ऐसा नहीं था कि आपको बुली किया जा रहा है या आपको बिल्कुल ही यू नो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस फायर किए जा रहे हैं। और सिमिलर सा एक्सपीरियंस मेरा SBI में भी था, उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग बनाऊंगी,
क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग होता है, द पैनल इज़ मोर स्ट्रिक्ट और थोड़ा नर्वसनेस लेवल भी ज़्यादा होता है इस वे में. सो बेसिकली काफ़ी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था एंड इस तरह से उन्होंने मेरा इंटरव्यू हुआ एंड इट लास्टेड अराउंड 10 to 12 minutes. ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं था बिकॉज मेरा जो रोल कॉल था दैट वॉज टुवर्ड्स द एंड. सो वैसे भी उनके पास टाइम थोड़ा कम बचा था और इनिशियली ज़्यादा टाइम लग रहा था बच्चों का, तो वो था, वो चीज़ें हो जाती हैं धीरे धीरे, टाइम भी वो कम होता जाता है अगर आपका लास्ट में है. तो इस तरह से अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टेल. दैट वन थिंग रियली मैटर्स अ लॉट इन योर इंटरव्यू इज हाउ यू ड्रेस. ऑल्दो कई लोग इस चीज़ से अग्री नहीं करते हैं बट मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि जैसे ही आप रूम में वॉक इन करते हैं तो आपको देख के जो एक पॉजिटिव वाइब आती है, या आपका ड्रेस या आपका ड्रेसिंग सेंस देख के जो एक पॉजिटिव वाइब आती है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अग्री करती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं यू शुड बी वेल ड्रेस्ड. नाउ बाय वेल ड्रेस्ड मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ कि यू शुड वेयर ऑल द ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ऑल दैट. नो, यू शुड बी इन क्लीन, नीट एंड सूदिंग फॉर्मल अटायर. सो व्हेन आई टॉक अबाउट फीमेल्स, तो आई ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग अ साड़ी इन एनी इंटरव्यू. आई वोर अ साड़ी इन माई नैनीताल बैंक इंटरव्यू एंड व्हेन आई वॉकड इन टू द इंटरव्यू चेंबर द फर्स्ट कॉमेंट दैट वॉज पास्ड बाय आर रिस्पेक्टेड चेयरमैन एट दैट टाइम वॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट फीमेल हु हैज कम इन अ साड़ी एंड यू आर सो वेल ड्रेस्ड, आई एम गोइंग टू गिव यू 5 extra marks फॉर योर ड्रेसिंग. सो दैट वॉज अ बिग बिग कॉम्प्लीमेंट एंड यू नो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वैसे ही वहाँ पे बढ़ गया क्योंकि बाकी इन द होल बैच नो बडी एल्स वॉज वियरिंग साड़ी. अब बॉयज़ बोलेंगे हम तो साड़ी पहन के नहीं जा सकते, ऑफकोर्स. तो आप जो फॉर्मल एक एक्सेप्टेबल ड्रेसिंग है जैसे कि सूदिंग कलर की शर्ट्स, ट्राउजर, ब्लेजर, टाई, ये सब आप पहनो एंड योर हेयर एंड ऑल शुड बी वेल ग्रूम्ड. ठीक है, इट शुड नॉट लुक लाइक आप बहुत देर से अगर वेट भी कर रहे थे. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आपको पता चले कि आपका रोल कॉल आने वाला है या आपसे एक दो बच्चे रह गए हैं तो आप जाके थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, अपने हेयर वगैरह टाइडी कर लो. यू शुड लुक फ्रेश, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल डल होके इंटरव्यू पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो. राइट, सो यू शुड गिव देम अ गुड इम्प्रेशन. And one more thing which is very important which most of us ignore is how you leave the room which is very very important. और मुझे भी ये suggestion कहीं किसी मेरे senior ने ही दिया था, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि सब लोग enter तो बड़े अच्छे से करते हैं but room छोड़ते समय कई लोग बड़े you know जल्दीबाजी में निकल जाते हैं कि okay it's done finally, you know you have that kind of impression on your face. तो ऐसा नहीं है, आप आराम से अपनी चेयर से उठिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको हैव अ गुड डे विश करिए और आराम से डोर क्लोज करके बाहर चले जाएँ. ये नहीं कि आप बहुत ज़ोर से यू आर लाइक शटिंग द डोर और समथिंग. सो व्हेन यू आर लीविंग देन ऑल्सो डोंट गिव देम अ रॉन्ग इम्प्रेशन. ये चीज़ आप ध्यान में रखिए क्योंकि जनरली क्या होता है हम इतने नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में कि हम लास्ट में जैसे ही वो कहते हैं ओके थैंक यू तो हम एकदम से उठ के भागते हैं या बाहर चले जाते हैं बिना कुछ उनको यू नो गुड बाय कहे या कुछ एक क्लोजर दिए. तो दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट और मैं काफ़ी इस चीज़ से अग्री करती हूँ. तो आप उठिए, उनको अच्छे से थैंक यू मैम, थैंक यू सर बोलिए और लीव द रूम इजीली. ठीक है, सो दिस वाज द मेजर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. इसके अलावा अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं यू कैन मैंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन. You can follow me on Facebook, you can follow me on Instagram, you can also follow me on Quora. I'm on Quora as well and I have a good amount of followers over there. So, वहाँ पे भी मैं messages का time to time reply करती हूँ. So, this is all for today. Thank you so much for staying tuned. Have a good day.